हेलो दोस्तों, आप पुरुष हो या महिला, अगर आप नसबंदी करवा लिए हो और सेक्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपकी समस्या का सलूशन वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पुरुष नसबंदी के बाद संभोग करने के लिए आमतौर पर 48 घंटे का इंतजार करना चाहिए। इस समय के दौरान चीरा क्षेत्र को ठीक होने का समय मिल जाता है और संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। हालांकि यदि आप पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहे हैं तो आप संभोग करने से पहले डॉक्टर से बात कर सकते हैं। महिला नसबंदी के बाद संभोग करने के लिए आमतौर पर एक सप्ताह का इंतजार करना चाहिए। इस समय के दौरान चीरा क्षेत्र को ठीक होने का समय मिल जाता है और संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। हालांकि यदि आप पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहे हैं तो आप संभोग करने से पहले डॉक्टर से बात कर सकते हैं। दोनों मामलों में संभोग करने से पहले कंडोम का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, भले ही आपके साथी का गर्भ निरोधक उपयोग कर रहे हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि नसबंदी हमेशा 100% प्रभावी नहीं होती है और कंडोम संक्रमण से बचाने में मदद कर सकता है। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो आपको सुरक्षित रूप से संभोग करने में मदद कर सकते हैं। 1. अपने डॉक्टर से बात करें कि क्या कोई अन्य गतिविधियां हैं जिन्हें आपको नसबंदी के बाद करने से पहले इंतजार करना चाहिए। 2. यदि आपके पास कोई दर्द या अन्य असुविधा है तो संभोग करने से पहले डॉक्टर से बात करें। 3. यदि आपके पास कोई यौन संचारित संक्रमण STI का इतिहास है तो अपने साथी को STI परीक्षण करवाने के लिए कहें। नसबंदी के बाद सुरक्षित रूप से संभोग करने के लिए इन सुझावों का पालन करके आप संक्रमण से बच सकते हैं और अपने यौन जीवन को आनंद ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।